हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और हम लोग निकल चुके हैं कॉरिडोर के लिए। आज भी बहुत ज़्यादा ठंड है। धीरे धीरे करतारपुर चलते हैं। करतारपुर अभी हमारे यहाँ से है सिर्फ 200 मीटर। जाते हैं, देखते हैं पूरा प्रसाद क्या है। अगर आप करतारपुर आ रहे हो तो आपको RT-PCR की ज़रूरत है, वो भी 72 घंटे वैलिड की। पहली चेक पोस्ट आने वाली, वहाँ पे डॉक्यूमेंट चेक करवाएंगे, फिर उसके आगे चलेंगे। ये जो आप पीछे देख रहे हो, ये पहली चेक पोस्ट है। यहाँ पे सिर्फ आपका ETA चेक होता है और कुछ भी नहीं। बाकी जो डॉक्यूमेंट है वो सब अंदर कॉरिडोर में चेक होंगे। बाइक लगा दी है यहाँ पे पार्किंग पे, तो अभी चलते हैं सीधा अंदर। ये अपने रणदीप पाजी। फाइनली गाइस, अभी एंट्री करने जा रहे हैं। पूछते हैं जी, भैया काम कर रहे हैं यहाँ पे, इनसे पूछते हैं कि एंट्री कहाँ से है। हमेशा की तरह हम लोग भी समय के पाबंद। 8 बजे एंट्री होनी है और पूरे 7:30 पहुँच गए। अभी आधा घंटा है एंट्री करने में, तो तब तक यहाँ पे बाहर वेट करते हैं। वैसे तो वेटिंग हॉल भी बना हुआ है, हमने सोचा क्या वेटिंग हॉल में बाहर अगर यहाँ पे आए हैं तो घूमें फिरेंगे और क्या करेंगे, वेटिंग हॉल में बैठ कर क्या करेंगे, रात सारी रात बैठे ही है। जी एंट्री हो गई अपनी स्टार्ट। एंट्री करते हैं और पहुंचते हैं सीधा करतारपुर साहिब। आपको अंदर भी टर्मिनेट में दिखाऊंगा क्या क्या है अंदर, क्या प्रोसेस हो रहा है, सारा कुछ बताऊंगा। चलो जी, सिक्योरिटी चेक भी हो गया अपना। भाई साहब, अगर आप आ रहे हो तो आपके पास RT-PCR जरूरी है। यहाँ पे अभी मेरे सामने सामने उन्होंने पांच पता नहीं 6 लोगों को वापस भेजा है सिर्फ RT-PCR के कारण। अगर आप आ रहे हो तो आपके पास 72 आवर्स की RT-PCR होना बहुत ज़रूरी है। RT-PCR दोनों वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट, उसके बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। एक सिक्योरिटी चेक तो हो गया है, अभी दूसरे सिक्योरिटी चेक करते हैं, फिर चलते हैं सीधा करतारपुर साहिब। साहब, यहाँ के वॉशरूम भी पूरे नीट एंड क्लीन है। ये देखो, जैसे एयरपोर्ट पे वॉशरूम होते हैं वैसे ही सेम बाथरूम बने हुए हैं यहाँ पे। अगर फैसिलिटी एयरपोर्ट की दे रहे हैं तो फिर ये भी चीज़ें एयरपोर्ट जैसी बननी चाहिए ना यहाँ पे। और इतना बढ़िया, पूरी नीट एंड क्लीन है यहाँ पे, साफ़ सफाई तो पूरी है। मैं फिर से एक बार दोहराऊंगा, अगर आपके पास RT-PCR नहीं है तो आप RT-PCR करवा कर ज़रूर आए, क्योंकि RT-PCR के बिना आपको एंट्री नहीं है। तो अभी चल रहे हैं, एंट्री स्टार्ट हो गई है, अभी चल रहे हैं और सीधा 0 लाइन पे मिलते हैं आपको सिक्योरिटी चेक के बाद। 11 मिनट्स लेटर। चलो, इमिग्रेशन भी हो गया आपका। आपके पास कितनी करेंसी है वो सब कुछ लिखते हैं वहाँ पे, और कुछ नहीं लेना है। आपका पासपोर्ट नंबर, आपका के पास कितनी करेंसी, आप कितने डॉलर लेकर जा रहे हो, वो सब लिखना है। तो अभी हम लोग बैठ चुके हैं अपनी गाड़ी में जो हमें लेकर जाएगी सीधा 0 लाइन तक, और वहाँ से हम लोग पैदल जाएंगे आगे।
जी पहुंच चुके हैं जीरो लाइन पे। ये रही हमारे सामने जीरो लाइन और ये हम लोग आ गए पाकिस्तान में। अपने रणदीप भाजी खड़े हैं, आरटीपीसीआर सर। चलो ये पाकिस्तान में भी अपनी एंट्री हो चुकी है और मैं आपको फिर से कह रहा हूँ आरटीपीसीआर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास 72 घंटे वैलिड की आरटीपीसीआर होने चाहिए, नहीं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। इंडिया साइड से भी एंट्री नहीं मिलेगी और यहाँ पे भी हमें जीरो लाइन क्रॉस करते करते टाइम उन्होंने आरटीपीसीआर मांगी है। तो आरटीपीसीआर आप जब भी आओ आरटीपीसीआर ज़रूर लेकर आओ। आपके पास 3 डॉक्यूमेंट होने चाहिए, एक तो आपका आरटीपीसीआर, एक ईटीए और एक वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट, और कुछ भी नहीं चाहिए। और हम लोग निकल रहे हैं पैदल, हमारे साथ जो आंटी लोग आ चुके हैं गाड़ी में, हम लोग पैदल जा रहे हैं अब यहाँ से। चलो ये अपने एंट्री भी हो चुकी है, अभी हम लोग जा रहे हैं पाकिस्तान की इमिग्रेशन की तरफ। अब बात करता हूँ इंडिया की इमिग्रेशन में आपके पहले ये वाले हाथ की मिडिल फिंगर की फिंगर प्रिंटिंग होगी, फिर इसकी होगी, फिर दोनों अंगूठों की होगी, और कुछ भी नहीं है इमिग्रेशन में। वो आपका फादर नेम पूछेंगे, आपका पासपोर्ट नंबर पूछेंगे और आपका मोबाइल नंबर पूछेंगे, और कुछ भी नहीं। तो अभी हम लोग पैदल ही निकल रहे हैं यहाँ से। ये सामने पाकिस्तान का इमिग्रेशन ऑफिस जहाँ पे हमें अपने $20 जमा करवाने हैं और इनसे रसीद लेनी है, और वही रसीद हमें आगे एंट्री दिलवाएगी गुरुद्वारा साहिब में। आ गया जी इमिग्रेशन ऑफिस पाकिस्तान का, और आज मौसम बहुत ही खुश मिजाज है, पूरे बादल ही बादल छाए हैं। चलो ये जो पीछे आपने भी टेंट देखा, यहाँ पे भी आपकी आरटीपीसीआर चेक हो रही है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ आरटीपीसीआर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी हम लोग यहाँ पे अपने $20 की फीस लेंगे, $20 मेरे हैं, $20 रणदीप जी के हैं, बाकी जो हम लोग डॉलर लेकर आए वो पाकिस्तानी करेंसी में एक्सचेंज करवाएंगे। अगर आप डॉलर नहीं लेकर आ रहे, अपनी इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करवा रहे हो पाकिस्तानी करेंसी, तो आपको 400 या 500 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ सकते हैं उसके लिए। तो मेरी तो यही सजेशन है कि आप $20 की फ़ीस अपनी लेकर आओ। चलो जी अपना स्टैंप भी लग गई है, अपने को $20 की रसीद भी मिल गई है, पर एक गड़बड़ हो गई। मेरे पास थे $5 जो $1 था, वो उन्होंने नहीं लिए, बिकॉज वो बोल रहे हैं $1 पाकिस्तान में नहीं चलता। या तो आप $5 का नोट लेकर आओ, या $10 या $20 या $50, उस $5 से कम का नोट नहीं चल रहा है। वो मैंने वापस रख लिया, अब देखेंगे अगर करेंसी कम पड़ेगी तो फिर इंडियन करेंसी में करवा लेंगे फिर से वहाँ से। और ये अपने पाकिस्तान में भी हो चुकी है इमिग्रेशन, और पाजी ने बहुत साथ दिया है। पाजी आपका नाम? एक साल से जी 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 जरूर जरूर जी। नहीं अभी तो जो लिमिट रखी है इंडियन गवर्नमेंट ने, जो लिमिट रखी है वो 250 की रखी है, 250 पर डे की। वन थाउजेंड से ज़्यादा हो
जी 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 हाँ जी ओके।